Yes, so today we will start function. The next topic of first chapter, relation and function. Now function basically हम लोग class 11th में ही function के definition, types of function पहले से ही class 11th में ही पढ़ के आते हैं, जैसे polynomial function, quadratic या फिर signum function, greatest integer function और इस टाइप के बहुत सारे जो फंक्शन हैं हम लोग क्लास 11th में ही ऑलरेडी पढ़कर आते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे फंक्शन का जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो और जो फंक्शन के क्लासिफिकेशन है, मीन्स फंक्शन के जो टाइप हैं, यहाँ पे हमें फंक्शन के टाइप पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट इस टाइप से करते हैं, इफ़ एफ इज एनी फंक्शन मीन्स एफ मैप्स ए टू बी, ए टू बी मीन्स सेट ए टू सेट बी, ये हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ इस टाइप से हम नोट करते हैं, एफ मैप्स एक्स टू वाई, एफ मैप्स एक्स टू वाई और एफ मैप्स ए टू बी, मीन्स ए एंड बी, ए इज अनदर सेट, बी इज अनदर सेट, हियर एक्स इज अनदर सेट एंड वाई इज अनदर सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैथमेटिकली डिफिनीशन है इस फंक्शन की, सबसे पहले वो देखते हैं। बेसिकली फंक्शन होता क्या है कि ये रिलेशन का एक स्पेशल केस है, मीन्स जो रिलेशन हम लोग पढ़े हैं अभी उसी रिलेशन का ये स्पेशल केस है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ इसमें कुछ चेंजिंग आई है और चेंजिंग, उसी चेंजिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन, और वही चेंजिंग हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। अब इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो क्या है, इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन है, फंक्शन आर स्पेशल केस ऑफ, फंक्शन आर स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फर्स्ट थिंग, फंक्शन आर स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। अब इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, डिफाइंड फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट डिफाइंड फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट, बी। नॉन एम्प्टी सेट इसलिए क्योंकि जब सेट में हमारे एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम उसमें रिलेशन क्या फाइंड करेंगे और फंक्शन कहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक, डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इन सच ए वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू a unique element of set B. पहले इस टाइप से देखें, जैसे सपोज हमारे मतलब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और इसमें कुछ फंक्शन डाले, ठीक, फंक्शन f। इस फंक्शन f में सबसे पहले हम कुछ क्वांटिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसके साथ ही ये फंक्शन, ये इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करके हमें अपना आउटपुट देगा। मीन्स यहाँ से हम क्या करना है, हमें यहाँ से हमें इनपुट देना है, ठीक है, वो इनपुट क्या होगा, x, वो इनपुट क्या होगा हमारा x, ठीक, वो यहाँ पर ये फंक्शन जो है
मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का जो भी फंक्शनिंग है वो एक्स के साथ फंक्शन करके हमें आउटपुट देगा, और वो क्या होगा वाई, और वाई क्या होगा अगर एक्स इस इंस्ट्रूमेंट में गया है तो वाई हमारा रिजल्ट क्या देगा एफ एक्स, मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे पहले हमें उस इंस्ट्रूमेंट में हमें कुछ क्वांटिटी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट अपना फंक्शनिंग करने के बाद हमें अपना आउटपुट देगा। और एक चीज़ और ये है कि ये चीज़ तो हमारा इनपुट है, ठीक, इनपुट पे हम क्या दिए हैं एक्स, और ये एक्स किसको बिलोंग करेगा सेट ए को बिलोंग करेगा, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा ये आउटपुट होगा। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारा इनपुट है, ठीक है, इस इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन, ठीक, और ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, या फिर इधर देख लें जो एफ मैप्स ए टू बी है, एफ मैप्स ए टू बी, इस एफ मैप्स ए टू बी में ए हमारा क्या है ए इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन। और अभी रेंज एंड ऑल की बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल में, केवल दो चीज, डोमेन मीन्स जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, कोडोमेन जहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया हमारा कोडोमेन। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैपिंग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, मैपिंग डायग्राम से और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैपिंग डायग्राम पे देखें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो सीधे उसका मैपिंग डायग्राम बना लें, कोई भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे इस डिफिनीशन में हमें दो चीज़ देखना है, सबसे पहले कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू, सेट ए का सारा एलिमेंट इज कनेक्टेड टू अ यूनिक, यूनिक मीन सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन हो गया एफ। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल, और हम पहले देखते हैं कि फंक्शन किससे बोलेंगे। सपोज यहाँ पर एलिमेंट हमारा 1 2 3 4, और यहाँ पर है ए बी सी डी ई। सबसे पहले 1, देयर आर 4 वेज टू कनेक्ट 1, 5 वेज, 1 के पास 5 वेज है कनेक्ट होने के लिए, आइदर ए बी सी डी और ई, यानी 1 जो है किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 ए के साथ कनेक्ट हो गया, 2 सी के साथ कनेक्ट हो गया, 3 बी के साथ कनेक्ट हो गया, 4 डी के साथ कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ये बता दें कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ देख लें, पहला चीज़ यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देना है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, ठीक। तो यहाँ देखें, सेट ए का एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है, ये एक के साथ कनेक्ट है, ये एक के साथ कनेक्ट है, ये एक के साथ कनेक्ट है, ठीक। तो ये फंक्शन है कि नहीं है, यस दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया सेट ए, ये सेट बी, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5, और यहाँ है ए बी सी डी, ठीक है। 1 कनेक्ट हुआ ए से, 2 कनेक्ट हुआ सी से, 3 कनेक्ट हुआ बी से, 4 कनेक्ट किसी से नहीं हुआ, 5 कनेक्ट हुआ डी से। अब ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब यहाँ देख लें, पहला चीज़ दोनों कंडीशन में ध्यान देंगे कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वो यानी वो सारे एलिमेंट किसी न किसी सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। दूसरा चीज़ कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ देखें, 1 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है, बट 4 कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इस ये क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी,
वन टू थ्री फोर ए बी सी, वन कनेक्ट हुआ टू से, टू भी कनेक्ट हुआ ए से, थ्री कनेक्ट हुआ बी से, फोर कनेक्ट हुआ सी से। अब यहाँ पर देखें ये फंक्शन है कि नहीं है, तो पहला चीज़ कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सेकंड चीज़ कि सेट बी का सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। देखें सेट ये वन, वन जो है एक सिर्फ एक के साथ कनेक्ट है, टू भी सिर्फ एक के साथ ही कनेक्ट है, थ्री भी एक के साथ कनेक्ट है और फोर भी एक के साथ कनेक्ट है। ये हमारा फंक्शन हुआ, दिस इज ए फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा दो सेट हुआ, सेट ए टू सेट बी फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर है हमारा ए बी सी डी ई, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर ऐसा करते हैं इसको ए बी सी इस टाइप से करते हैं। यहाँ देखें वन कनेक्ट हुआ ऐसे, वन कनेक्ट हुआ थ्री से, बी कनेक्ट हुआ टू से, सी कनेक्ट हुआ फोर से, ठीक है। अब यहाँ देख लें कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो यहाँ देखें सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से कनेक्ट हैं, ठीक, फर्स्ट चीज़। सेकंड, द सेकंड थिंग इज, यहाँ देखें सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो किसके कितने के साथ कनेक्ट है, दो के साथ, यानी ए वन के साथ भी कनेक्ट है और ए बी थ्री के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। इस टाइप से समझ लें कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, सेकंड टाइप को, इस साइड से मीन्स लेफ्ट साइड से हमारा वी शेप नहीं बनना चाहिए, अगर वी शेप बन गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, राइट साइड से हम वी शेप बन सकता है, जैसे ये वन ए के साथ भी कनेक्ट है और टू ए के साथ कनेक्ट है, ये यहाँ से वी शेप बन सकता है, यानी लेफ्ट साइड से वी शेप नहीं होना चाहिए, राइट साइड से वी शेप हो सकता है। कुछ इस टाइप से भी समझ लें, जैसे इस वाले क्वेश्चन में F1 इज इक्वल टू कितना है A और F2 इज इक्वल टू कितना है ये A। इसमें FA का वैल्यू कितना है 1 और FA का दो वैल्यू, यानी FA इज इक्वल टू 1 एंड FA इज इक्वल टू 3। यानी एक आदमी के दो नाम नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के एक नाम हो सकते हैं। इस टाइप से भी समझ लें कि एक आदमी के यानी एक पर्सन के टू डिफरेंट डिफरेंट नेम नहीं हो सकते, बट टू डिफरेंट पर्सन के एक सिंगल नेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 इज इक्वल टू है, F2 इज इक्वल टू है, यानी ये दोनों फंक्शन अलग अलग है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है ए, ठीक है। F1 का जो मैपिंग है वो ए से हो रहा है और टू का जो मैपिंग है वो भी ए से हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक दो के साथ मैपिंग कर रहा है, एक वन के साथ एक टू थ्री के साथ, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। और इस कंडीशन में फंक्शन है, इस साइड से भी बनेगा मीन्स फंक्शन नहीं है, और इस साइड से अगर राइट साइड से भी बना तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक मैपिंग डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा फंक्शन हुआ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पर हो गए पी क्यू आर एस टी यू। वन कनेक्ट हुआ पी से, टू कनेक्ट हुआ बी पी से, थ्री कनेक्ट हुआ एस से, फोर कनेक्ट हुआ आर से, फाइव कनेक्ट हुआ यू से, ठीक है। इस सिचुएशन में जो डोमेन है हमारा, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। उसके बाद हम बात करते हैं कोडोमेन ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन मीन्स पी क्यू आर एस T एंड U। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर रेंज का, रेंज
सेट बी का जो जो एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट हुआ है वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज। मींस अब यहाँ देखें, वन पी से कनेक्ट हुआ है, टू पी से कनेक्ट हुआ है, तो रेंज में एक पी आ गया। थ्री एस के साथ कनेक्ट है, एस हो गया। फोर आर के साथ कनेक्ट है, आर हो गया। और फाइव यू के साथ कनेक्ट है, यू हो गया। ये हो गया हमारा रेंज, पी एस आर यू। और यहाँ देख लें, कोडोमेन और रेंज हमको सेट बी से ही लेना है, और रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कोडोमेन को। तो एक यहाँ से फार्मूला आता है, दैट इज रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज किसका सबसेट है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। सेकेंड चीज, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को एक और नाम भी नेम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी बी वाले को बोलते हैं इमेज, और सेट ए वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री इमेज। सेट ए वाले को प्री इमेज और सेट बी वाले को इमेज। यानी पी किसका इमेज है, पी इज द इमेज ऑफ वन, P is the image of 2, R is the image of 4, S is the image of 3, U is the image of 5. इस पर देख लें, 1 is the pre-image of P, 2 is the pre-image of P, 3 is the pre-image of S, 4 is the pre-image of R, 5 is the pre-image of U. I hope you know very well what is domain, codomain, range, image, pre-image. और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये तो हमारा मैथमेटिकली हो गया कि मैथमेटिकली कौन से हमारे फंक्शन है, किस कंडीशन में फंक्शन होंगे, किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होंगे। अब थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी देख लिया जाए कि ग्राफिकली के कंडीशन में कब ये हमारा फंक्शन होगा, कब नहीं होगा। तो ग्राफिकली देख लें, ग्राफिकली में इफ अ लाइन कट्स द वाई एक्सिस, या फिर इफ अ लाइन इज ड्रॉन एंड कट्स वाई एक्सिस एट मोस्ट वंस। मीन्स एक लाइन में ड्रॉ करना है किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और कट्स द ग्राफ, या फिर कट्स द, या फिर इस टाइप से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस देन इट इज फंक्शन अदरवाइज नो। एग्जाम्पल पे देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या फॉर्म करेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक अपवर्ड पैराबोला फॉर्म करेगा। अब हमें चेक करना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम इस वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस, ये x एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, कट्स द ग्राफ, ये ग्राफ इस ग्राफ को कट करेगा एट मोस्ट वंस, किसी एक जगह पर, अगर एक जगह पर कट किया तब तो ये फंक्शन है, अदरवाइज नो। तो जैसे ही इस लाइन को हम वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए तो क्या देखें कि इस ग्राफ को ये एक जगह पर कट कर रहा है, ठीक है। अगर एक जगह पर कट किया तो ये फंक्शन होगा, ऑब्वियसली दिस इज ए फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और हमारा एग्जांपल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये भी हमारा एक पैराबोला फॉर्म करेगा इन द राइट साइड, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें चेक करना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि ये लाइन जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किए हैं ये ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, अगर एक पॉइंट पे कट गया तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या मिला हमें, ये जो पैरेलल लाइन है ये दो जगह पर कट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये इस वाले को देख लें, अगर ये 1 है तो यहाँ से हमें ये डिस्टेंस कितना देगा 1 और यहाँ से कितना देगा -1। मैपिंग डायग्राम बना लें, ठीक है, x टू y और a टू b, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया, ठीक है। यहाँ देख लें इनपुट कितना है 1, ठीक है, इनपुट 1 है, हमें आउटपुट कितना दे रहा है 1 एंड -1, यानी 1 1 के साथ भी कनेक्ट है, 1 -1 के साथ भी कनेक्ट है। यहाँ से देखिए वी शेप बन गया, और ये वी शेप बन गया जैसे ही, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, यानी इससे ग्राफिकली भी ये फंक्शन नहीं है, और अगर हम मैपिंग डायग्राम से भी देखें तो भी ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन।